नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई कई श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला साक्षात्कार की भी है। आज के इस कार्यक्रम में हम मुखातिब होने जा रहे हैं और आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी साहब, जो एक बहुत प्रशंसनीय प्रशासनिक अधिकारी तो हैं ही, साथ में ही एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं और लेखन की दुनिया में आपने कम से कम इस टोंक जिले को तो इतना फर्टाइल कर दिया है कि चाहे नवाचार हो, चाहे स्थापित लेखक हो, चाहे नए लेखक हो, और कई विधाओं में, चाहे कहानी लेखन हो, उपन्यास विधा हो, बच्चों द्वारा पत्र लिखाए जा रहे हों, हर क्षेत्र में सबको सहज रूप से अपनी उंगली पकड़कर जो सहयोग कर सकते हैं वो करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ये उनकी एक सहजता का बड़ा प्रमाण है। तो आप सबके सामने मैं आदरणीय सूरज सिंह जी नेगी साहब को आभार व्यक्त करता हूँ कि उस कार्यक्रम में आए और हमें सहयोग कर रहे हैं। तो नेगी साहब, बात शुरू करते हैं। आपका सारा साहित्य मैंने पढ़ा और आपके जीवन शैली से, आपकी कार्यशैली से जितना भी मैं समझ पाया हूँ आपके बारे में, कि सारा आपका जो दृष्टिकोण है वो मूल रूप से जीवन मूल्यों पर आधारित है। आप उसी की पहरेदारी करते हैं, उसी के पहरुआ हैं कि जहाँ जीवन मूल्यों की जरूरत है और उन जीवन मूल्यों के स्थापन के लिए आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। तो क्या आप कुछ अपना अनुभव बताएंगे, अपनी सोच बताएंगे कि जीवन मूल्यों आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कौन कौन से मूल्यों को विशेष रूप से चाहेंगे कि वो हमारे समाज में, हमारे मनुष्य जीवन में स्थापित रहें, हमारी जीवन शैली में स्थापित रहें, प्लीज आप बताइए। आपका बहुत बहुत आभार सक्सेना साहब कि आपने जन सरोकार मंच के माध्यम से मुझे यहाँ मुखातिब होने का अवसर दिया। आपने बात छेड़ी है जीवन मूल्यों की, तो जीवन मूल्यों के बारे में जी चर्चा करना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज की आपाधापी के दौर में जब प्रत्येक व्यक्ति का जो सोच है वो पूरा का पूरा भौतिकवादी दृष्टिकोण पर केंद्रित हो गया है। सही कह रहे हैं आप। उसका जो सोच है वो स्वयं पर आकर के ठहर जाता है जी। उसकी मंजिल स्वयं पर आकर के ठहर जाती है, तो कहीं न कहीं एक संवेदनशील व्यक्ति को जी, लेखक को, साहित्यकार को ये सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा क्या हो चुका है कि व्यक्ति का जन्म जी जिन उद्देश्यों के लिए होता है वो कहीं न कहीं उससे भटक रहा है। वही जीवन मूल्यों की बात, तो हमारे जीवन मूल्य हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो जीवन मूल्यों के साथ जुड़ी हुई होती है और होनी चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो सत्य वचन है जी, चाहे वो बड़ों को सम्मान देना है जी, छोटों को स्नेह देना है। कोई व्यक्ति अगर दुखियारा है उसको वक्त पर अगर आपने सहयोग करने की स्थिति में थे जी, और आप करते हैं, सड़क पर कोई चलता हुआ व्यक्ति मिल जाता है जिसको आपके हाथ से कोई सहयोग करने की आवश्यकता है, वहाँ उसको आप करें। कोई आवश्यक नहीं है कि आप व्यक्ति को या किसी दीन दुखियारे के लिए बहुत बड़ा खजाना खोल दें जी। बल्कि जो कुछ आपसे बन पड़ता है मनसा वाचा कर्मणा से जी, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आप अपना वो सब कुछ उसे दीजिए जिसके सामने वाले को आवश्यकता है। और अभी आपने पिछले 6-7 महीने से पूरे विश्व में जो कोरोना काल ये चल रहा है, इसमें आपने देख लिया कि अच्छे अच्छे लोगों को इस कोरोना महामारी ने घुटनों में ला करके रख दिया। सही कहा। चाहे उनके महल चौबारे थे हाँ? कितने बड़े धन्ना सेठ थे, लेकिन वो सब के सब घुटनों पर आ चुके हैं। और अगर इसमें कोई पार पाई है तो सच्चे जीवन मूल्यों के साथ जो व्यक्ति रहा है, जिसने जीवन मूल्यों को जिया है जी, और उनके सहारे चला है, वो निश्चित रूप से इसमें उसको फायदा मिला है।
और उसने स्वयं भी वो उभरा है दुखों से, कष्टों से, और दूसरों को भी उभारने में उसने मदद दी है। तो जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं, पहले भी प्रासंगिक थे, आने वाले समय में भी इनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ती जाएगी। ठीक कहा आपने। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और विवेचनात्मक स्तर पर लाऊं तो मुझे लगता है कि आप एक इस बात के कट्टर विरोधी हैं कि आदमी को आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज के लिए जिंदा है, और उसके लिए जरूरी है कि वह अपने होने के अर्थ समझ ले। सिर्फ व्यक्तिगत अपनी निजी सोच पर आधारित जीवन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा समझ पाया। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन पक्ष यह है कि आपकी जीवन का सुंदर पहलू यह है कि आप सिर्फ कहते ही नहीं, आपने करके दिखा दिया। करके दिखाने का अर्थ इस संदर्भ में यह है कि आपने साहित्य लेखन जो किया, कई सारी पुस्तकें आपने लिखी अलग अलग है जिनका अपन जिक्र करेंगे, और उनके पात्रों से आपने जो भी उनके पात्र रचे, उन पात्रों के माध्यम से भी आपने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में साहित्य को जो धरोहर दी है वो इस बात का साक्षी है और रहेगी कि जीवन मूल्यों का स्तर समाज में हर हाल में बना रहना चाहिए, चाहे हमारा समाज कोरोना जैसी महामारी से गुजरे या सामान्य स्थिति में हो, लेकिन जीवन मूल्यों का अपना एक स्थायी मूल्य है जो सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है। अब पक्ष ये आता है कि आपने ये तो बताया कि जीवन मूल्यों का स्थान जीवन में है, लेकिन आपका लेखन है जिसमें आपकी 4-5 किताबें आ चुकी हैं, जहां तक मुझे ध्यान है पहला है पापा फिर कब आओगे, उसमें कहानियां हैं, 11 कहानियां हैं, और जैसा मुझे याद आ रहा है आपने अपने बताया भी था शायद कि उन कहानियों के लेखन में विशेष बात यह है कि वो कहानियां गढ़ी नहीं गई, जैसा हम एक लेखन के में सिद्धस्थ होने के बाद गढ़ना शुरू कर देते हैं प्लॉटिंग को लेकर, ऐसा नहीं था उनकी, ये मतलब एक जैसे सहजता थी उन लेखन में कि जीवन में जो जो संदर्भ आपके सामने आए, जो हादसे आए, जो घटना घटी, चाहे वो किसी स्कूली बच्ची के साथ हो या किसी माता पिता के साथ हो या किसी और स्थितियों में हो, जो जो आपके मन को कहीं गहरे छू गए, और वो इतने गहरे छू गए कि आप अचानक रात को उठते हैं और रात भर जगते हैं, लेकिन उस एहसास को जब तक कागज पर नहीं उतार लेते हैं तो आपका मन हल्का नहीं हो पाता। ऐसा कोई संस्मरण बताइए आप पापा फिर कब आओगे कहानियों के संदर्भ में। पापा फिर कब आओगे कहानी का जो प्रकाशन हुआ वो 2016 में हुआ जी। और आप सबके सहयोग से जी टोंक की जमी पर ही उसका विमोचन समारोह हुआ। ठीक है। इस कहानी संग्रह के साथ बड़ा दिलचस्प पहलू जुड़ा हुआ है जी। ये यात्रा होती है उत्तराखंड में, जब मैं अध्ययन करता था जी। सोच वहाँ से प्रबल हो गई थी, धीरे धीरे जो ख्यालात आए, जो घटनाएं देखी सुनी पड़ी जी और महसूस की, उनको धीरे धीरे कलम के जरिए कागज पर उतारने का काम बहुत पहले से जी यद्यपि आरंभ हो गया था जी। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं, नहीं लेखन के प्रति लेखन के प्रति रुचि कब जागृत हुई वहां से? लेखन के प्रति सर मेरा जो रुझान हुआ जहाँ तक मुझे याद है जी, मैंने होश संभाला, उसके बाद दुर्भाग्य से मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी जब मैं मात्र 10 साल का था, तो वहाँ की भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ, घर से बड़ों का सिर से साया गुजर जाना, बड़ा हादसा होता है, तो वो कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने जीवन में महसूस की अपनी माँ के साथ में, और वहाँ से माँ सरस्वती का ये वरदान प्राप्त हुआ और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए
परिस्थितियों से किस तरह से निजात पाएं उसके लिए मुझे माँ सरस्वती ने, मेरी माँ ने कलम पकड़ा दी। तो तकरीबन मेरी उम्र होगी करीब 10-11 साल की, तब से लेखन का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। पहले नाटक लिखे, उन नाटकों का स्कूल में मंचन भी करवाया और खुद मैंने उसमें एज ए कलाकार भाग भी लिया। फिर कहानी लेखन पे आया और इसमें जो पापा फिर कब आओगे में कुल 11 कहानियां हैं। कई कहानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल दिल को छू गई और एक ही रात में एक सिटिंग में उन कहानियों को लिखा। पापा फिर कब आओगे कहानी का ही एक ऐसा ही दृष्टांत है कि एक बच्ची को बस स्टैंड पर मैंने देखा। वो 5वीं 6वीं क्लास में बच्ची पढ़ रही होगी। अच्छा। उसके पिता उसे हॉस्टल में छोड़ने आते हैं जी। और जब वो जा रहे होते हैं उससे विदा लेकर के, तो इस तरह से वो चिपट करके उनसे रोती है कि वो जो एक मंजर था वो आंखों में मेरे आज भी घूमता है। सही कह रहे। और उसके बाद में रास्ते भर सोचता रहा। हाँ। कई दिनों तक सोचा और फिर एक दिन अचानक बैठ गया कागज कलम लेकर के जी। और ये पापा फिर कब आओगे एक लघु उपन्यास की तरह का, ये करीब 32-33 पेज की कहानी है जी। और एक ऐसी बच्ची की कहानी है कि जिसे पिता ने पढ़ने के लिए हॉस्टल में रखा जी। जैसा अमूमन हाँ। आजकल हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए बाहर भेज दें, लेकिन उन बच्चों का क्या मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान को समझना बहुत ही आवश्यक है। इस कहानी में आप यही देखेंगे हाँ, बहुत कि सच्चा पहलू उठाया आपने कि किस तरह से वो बच्ची तड़पती है जी। अपने पिता को देखने के लिए जी। अपना घर जाना चाहती है लेकिन घर से कोई बुलावा नहीं आता कि तुम घर आ जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। इस तरह का बड़ा दर्द भरी कहानी है। ऐसी कहानी मास्टर जी ने जी। मास्टर जी का चरित्र है। ऐसी एक बैसाखी कहानी है कल्पना की, जो एक बच्ची है जो चल नहीं सकती ढंग से, तो उस पर एक कहानी है। इस तरह से सूर्योदय कहानी इसमें आपको देखने को मिलेगी। मीरा एक ऐसा पात्र है मीरा कहानी में जी। जो दहेज के लोभियों की बलि चढ़ने से रह जाती है और बाद में ये करके दिखा देती है कि अगर बेटियों में जज्बा हो, अगर ताकत है जी। तो बेटों से किसी भी कीमत पर कम नहीं है, वो सब कुछ कर सकती हैं। जो बेटे नहीं कर सकते वो भी हमारी बेटियां कर सकती हैं। तो ये पापा फिर कब आओगे कहानी संग्रह पर काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, काफ़ी इसमें महसूस किया हुआ है। और जैसा कि आप सबका इसमें काफ़ी आशीर्वाद मिला, इस कहानी संग्रह को बहुत सारे लोगों के द्वारा सराहा गया। ऐसे ही आपका दूसरी रचना है रिश्तों की आँच। रिश्तों की आँच जैसा टाइटल है इसका, एक बात सीधी समझ में आती है कि भाई आँच से तात्पर्य क्या है और आँच और रिश्तों का संबंध लेखक कहाँ ले जाना चाहता है, किस गहराई से किस धरातल को छूना चाहता है जहाँ रिश्ते जैसी नाजुक भावना को आँच का की तपन महसूस हो जाए और रिश्ते झुलसने लगे। ऐसा ही रिश्तों की आँच में देखने पढ़ने को मिला, ये अनुभूति कैसे आई आपको? इसका भी एक अपना अलग ही अनुभव है जी। मेरा पदस्थापन टोंक में ही था जी, हेडक्वार्टर पर जी। तो एक दिन हमारे हाँ। एक राजस्व कर्मी थे जी, उनका रिटायरमेंट था और विदाई समारोह चल रहा था जी जी जी। तो उस विदाई के पल में उनकी आंखों से जो मैंने पढ़ा, उनकी आंखों को देखा जी, जैसा कि वो अपनी आंखों से सब कुछ बयां कर गया हूँ, मैं बहुत उद्वेलित हुआ, बहुत सोचने को मजबूर हुआ और घर आकर के मैंने इस नए उपन्यास पर काम करना शुरू किया जी। आरंभ में यदि इसका
जिससे विदाई रखना था। अच्छा, लेकिन ये रिश्तों में इस तरह गुथा हुआ उपन्यास था कि इसका नाम रिश्तों की आंच रखा। रिश्तों की आंच का सीधा सीधा ये मतलब है जी कि अगर रिश्तों में आंच ना हो, यानी कि गर्माहट नहीं हो, अच्छा, किसकी, अपनेपन की, वाह, रिश्तों के लिए सबसे बड़ी जो खूबी है, सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, वो है उन रिश्तों में गर्माहट हो। बहुत अच्छी बात। गर्माहट का ये अर्थ है कि आप अगर किसी को अपना मानते हैं जी, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, मित्र है, कुटुंब कबीला वाला है, लेकिन उसका होना या नहीं होना ये बहुत मायने रखता है। सही। कम मायने रखेगा जबकि आपके मन में उसके प्रति अपनेपन का भाव हो। रिश्ते बहुत नज़दीक के भी होते हैं, बहुत दूर के भी होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। नाम के रिश्ते खाली दिखावटी रिश्ते होते हैं। रिश्तों के अंदर एक तपन होनी चाहिए, दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की उसके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह एक सुखी परिवार की कल्पना उस उपन्यास में मैंने की है जी, उसमें एक उदाहरण भी दिया है कि एक परिवार की स्थिति एक झील में ठहरे हुए पानी की तरह होती है। ठीक। जब तक परिवार में सब कुछ शांत चल रहा होता है, सही कुछ चल रहा होता है, तो बिल्कुल शांत स्वभाव से वो परिवार होता है। लेकिन जैसे ही परिवार में किसी भी एक सदस्य में कोई विपदा आ जाती है, किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, तो वो केवल एक सदस्य नहीं भोगता बल्कि उस परिवार के जितने भी लोग हैं, उस परिवार से जुड़े हुए जितने भी आत्मीय जन हैं, उनके मन में एक हलचल पैदा हो जाती है। ठीक उसी तरह से कि ठहरे हुए पानी में अगर आपने कंकड़ फेंक दिया तो कंकड़ केवल एक जगह विशेष को प्रभावित नहीं करेगा, पूरे पानी में हलचल हो जाती है। ये तब होता है परिवारों में जबकि उन परिवारों में एक आत्मीय सम्मानता हो, एक आत्मीय सहयोग हो, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की उनके मन में इच्छा हो। कांटा किसी एक के चुभे लेकिन दर्द किसी दूसरे के चेहरे पर दिखेगा। सफलता किसी एक को मिलेगी, चेहरे पर हंसी के भाव, प्रसन्नता के भाव किसी दूसरे सदस्य के आएंगे। ये होती है रिश्तों की आंच जो दूर से भी व्यक्ति को खींच करके लाती है। इसके एक चरित्र है जो इसका कथानायक है जी, राम प्रसाद जी, उसका जीवन पूरा का पूरा इन जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इसमें उपन्यास में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और उसके साथ और बहुत ही इसमें एक चीज जो हमने दी है वो है प्रकृति के साथ किस तरह का व्यक्ति का सामंजस्य है। पेड़ यद्यपि कुछ नहीं कहता जी, जी, बोलता नहीं है, हाँ, उसमें लेकिन नीम के उसमें पेड़ का जिक्र है, एक चरित्र है, चरित्र है जो कहीं कहीं बाहर आप पढ़ेंगे तो वो जो सभी चरित्रों से, सभी पात्रों से ऊपर लगता है। नीम का पेड़ जब भी राम प्रसाद किसी भी तरह के दुख दर्द में होता है, चाहे परिवार की बात हो, चाहे ऑफिस की बात हो, तो वो चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठ करके उससे अपना दर्द साझा करता है। और न केवल मनुष्य से, न केवल जीव जंतु से, बल्कि पेड़ों से भी हमारा एक गहरा रिश्ता हो सकता है, बशर्ते उसके मन में उस रिश्ते के प्रति एक अपनेपन का भाव हो, सम्मान का भाव हो। तो रिश्तों में जब तक आंच नहीं होगी, जब तक गर्माहट नहीं होगी, तब तक रिश्ते केवल और केवल बेमानी साबित होंगे। एक खूबसूरती और नजर आती है मुझे इसमें, मुझे नजर आती है, पता नहीं ठीक है या नहीं, लेकिन मैं इस पर कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो ऑफिस में कार्य करता है, जिसको आप देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उससे आप इतने जुड़ जाते हैं, उसकी पारिवारिक स्थितियों से, उसकी कार्यशैली से, उसके व्यवहार से, उसकी उसके अकेलेपन की खामोशियों से, ये जो इसे मेरी कल्पना में नहीं कह पा रहा, जिसे मैंने शुरू में कहा कि गढ़ना अलग बात है और सहज रूप से नेचुरली आपने दो चार साल उसको देखा होगा और उसको महसूस किया होगा, तो अपने किसी सहकर्मी को इतनी निकटता से महसूस करना, उसके होने को, ये एक विद्वत्ता प्रदान करती है आपके लेखन को, इसकी मैं बधाई देता हूँ आपको। जी जी, धन्यवाद। इसी के साथ आपका आता है एक नोवेल, लोग हतप्रभ हैं आपके लेखन से, जिसका टाइटल है उपन्यास है बड़ा, 400-500 पेज का,
वसीयत, वसीयत का मैंने जैसे जिक्र किया कि आदमी टाइटल से कुछ अंदाजा लगाता है, जैसे मैंने रिश्तों के आज के बारे में कहा वो उसका नेगेटिव पॉइंट था, आपने सारी सोच सकारात्मक रखी। तो वसीयत जो नोवेल आपके द्वारा लिखा गया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जहां तक मुझे अंदाजा है उसमें 2-3 पीढ़ी का जिक्र है, तो कौन सी वसीयत है? देखिए, वसीयत जो शीर्षक दिया गया है अमूमन जी जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं इस उपन्यास को, तब तक यही अर्थ लगाया जाएगा कि एक विल है, यानी कि जी कागज पे लिखी हुई है कोई वसीयत है। ठीक है, किसी पिता ने अपने बेटे के नाम या किसी अन्य के नाम में जो कुछ उसने अपने जीवन में कमाया वो वसीयत करके जाता है। सही, लेकिन यहाँ इस वसीयत का अर्थ कोई दूसरा है। इसमें अगर हम डायरेक्ट कहें तो 3 पीढ़ियों का इसमें संदर्भ आता है। अच्छा। लेकिन अगर पीढ़ियों की बात करें जी तो इस वसीयत में बारीकी से आप देखेंगे तो इसमें 5 पीढ़ियों का अच्छा एक तरह का संदर्भ है। जी और सबसे खूबसूरती बात इसकी ये है जी, जो आप भी इसके गवाह हैं सक्सेना साहब, जब टॉक में कार्यकाल में कई बार इन पात्रों के बारे में चर्चा करते थे जी, और बड़ा एक अलग ही अनुभूति है जी। उपन्यास कई चीजों को लेकर के एक साथ चल रहा है, वसीयत इसमें जहाँ पिता पुत्र के संबंधों पर एक व्याख्या है, वहीं गांव से आकर के शहर में रहने के बाद व्यक्ति गांव से बिछो हो जाता है, वो शहर का ही होकर के रह जाता है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के दौर में चल रही है, और पलायन का सच भी बड़ा क्यों बहुत ही कड़वा सच है, कड़वा है। तीसरा इसमें जो एक मुद्दा हमने इसमें उठाया है जी, वो है वृद्धावस्था। ठीक, वृद्धावस्था का एक कड़वा सच आज के दौर में बहुत ही कड़वा अनुभव है जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं जी। तो इसमें करीब 5-6 वृद्ध लोगों को भी केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा एक छोट इसमें यह देने की कोशिश की थी जी, जैसे कि आज अमूमन बात आप करेंगे जी कि ये फलां काम नहीं हुआ, इसके लिए गांव के मुखिया जी जिम्मेदार हैं जी, इसके लिए वहां की जो लोकल जो बॉडी गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न आता है कि ठीक है, जो चुनी हुई सरकारें हैं या अन्य कोई संस्थाएं हैं वो जिम्मेदार तो हैं जी, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनके अपने कर्तव्य भी हैं, लेकिन चूंकि हम वहाँ के परिवेश के वासिंदे हैं, हम वहाँ रहते हैं, उस जमीन पे हमको रहना है, तो हमारा उसके प्रति, उस जमीन के प्रति क्या अपना कोई जवाबदेही नहीं है, ये भी इस उपन्यास में लाने की कोशिश की गई है। और मूलतः ये जो उपन्यास है वसीयत, ये आंचलिक उपन्यास की कैटेगरी में हम इसको लेंगे, क्योंकि तो इसमें कई उत्तराखंड की कई प्राकृतिक चीजों का इसमें उल्लेख है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ के मेले हैं, वहाँ के सामाजिक सरोकार हैं, लोगों के मन में जो आत्मीय संबंध है, इन तमाम बातों का इसमें जिक्र है। और मूल रूप से एक उस पिता की इसमें तड़प दिखती है और ये जीवन की कड़वी सच्चाई आप कहें या कुछ कहें कि आज की जनरेशन में हो क्या रहा है कि जब आप किसी के बेटे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कल को जाकर के आप भी उस बाप की स्थिति में आएंगे बिल्कुल जो बाप सामने आपका दिख रहा है। तो इस उपन्यास के माध्यम से ये एक लाने की कोशिश की गई है कि एक पिता की बातों का जो उसने मान नहीं रखा या जो पिता ने उसको कुछ कहा उस चीज को इग्नोर किया, और जा करके एक समय पश्चात वही बेटा जब बाप बनता है तो वो फिर शिकायत करता है कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मान रहा है, ये बात तो वो सामने वालों से कह रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस से जी। अपने हम उम्र मित्रों से, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन उसे कचोट रहा है कि जब तुम कभी किसी के बेटे थे तब तुमने अपने पिता की बात को क्या व्यवहार कितना व्यवहार किया, कितने गौर से माना। तो इन अंतर्द्वंद्वों में वो व्यक्ति पूरे जीवन में चलता रहता है उसका जीवन, और अंत में जा करके उसे एक सुखद इसका परिणाम जब आप देखेंगे पढ़ेंगे जी वो इसमें
सुखद परिणाम देने की कोशिश की गई है और उसका भी जो कारण बनता है वो उसके पिता बनते हैं, जिस पिता को इस उपन्यास में वो जो नायक है विश्वनाथ वो जीते जी अपने पिता को जो मान सम्मान नहीं दे पाया, लेकिन जीवन का जब अंत पिता का हो गया उसके बाद जब पिता की डायरी उस बेटे के हाथ लगती है, उस डायरी ने पूरा जीवन जो चक्र था इस पात्र का बदल दिया और वसीयत जो इसमें मिली उसको वो मूल्यों की वसीयत है, संस्कारों की वसीयत है। क्यों आज हम अपने संतानों के लिए बहुत सारा धन छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी संपदाएं छोड़ के जा रहे हैं, संस्कार बहुत सारे जमीनें बना रहे हैं, लेकिन जिस चीज की अहम आवश्यकता है उस चीज से दूर दूर हमारा कोई नाता नहीं है। तो इस उपन्यास में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर संतान में संस्कार होंगे, जीवन मूल्य होंगे, उसकी कुछ उसके अपने आप में कुछ उसके आदर्श होंगे, तो वो ये तमाम जो नश्वर चीजें हैं जमीन जायदाद धन दौलत ये स्वयं बना सकता है, लेकिन अगर वसीयत कोई देनी है तो वो संस्कारों की वसीयत हमें देनी होगी और यही जो वसीयत है ये संस्कारों की वसीयत इसमें इस उपन्यास के माध्यम से कथानायक द्वारा, कथानायक के पिता द्वारा कथानायक को दी गई। एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि हमसे जो भी दर्शक जुड़े हैं वो भी इस बात को सुने और महसूस करें उस खूबसूरती को, जैसा कि आपने उस अपने इस वसीयत उपन्यास में कई जगह जिक्र किया है वहाँ की प्राकृतिक स्थितियों का और आंचलिकता का। वहाँ कहीं एक जिक्र आता है कि कोई त्योहार होता है उत्तराखंड में जिसमें फूलों को लेकर बच्चे द्वार द्वार जाते हैं, ऐसा कुछ है उसमें, या खेतों में जब फसल बुआई होती है तो अभी एक उत्सव की तरह होती है, थोड़ा सा उसका बिल्कुल सचिन साहब काफी कुछ प्राकृतिक सौंदर्य में चीजें छिपी हुई हैं। जी जी। और उत्तराखंड में ये कहा जाता है कि 12 महीने में 12 त्योहार होते हैं। अच्छा। और प्रत्येक त्योहार प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जी। जिस त्योहार की आपने बात कही जी इसको कुमाऊनी भाषा में फूल सजान कहते हैं, यानी कि फूल संक्रांति। अच्छा अच्छा। फूल संक्रांति तब आती है मार्च और अप्रैल के मध्य में जी जब प्रकृति में चारों तरफ बासंती बयार छाई रहती है। ठीक है। कोई ऐसा कोना नहीं दिखेगा आपको, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं दिखेगा जहाँ फूल नहीं होंगे। तरह तरह के फूलों से पूरी धरती सुसज्जित हो जाती है। तो उस दरमियान एक त्योहार आता है फूल संक्रांति। इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जंगल से या खेतों से जी फूल लाए जाते हैं पहले दिन। अच्छा। और दूसरे दिन जो घर के बच्चे होते हैं जी उन बच्चों के हाथ में टोकरियां दी जाती हैं। अच्छा। फूलों से भरी हुई और वो बच्चे उन टोकरियों को ले जा करके अच्छा पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं। हाँ। और प्रत्येक देहरी पर यानी कि दरवाजे पर वो फूल डालते हैं, जिसको फूल दे कहते हैं। चाहे वो आपसे बात कर रहा है परिवार, चाहे नहीं कर रहा है, आपका कितना ही बड़ा दुश्मन है, लेकिन उस साल में प्रत्येक घर के बाहर बच्चे जा करके फूल रखते हैं और उन फूलों के बदले में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन बच्चों को दुआएं देते हैं, आशीष देते हैं और पूरे साल भर में जो मन में कड़वाहट होती है, मन में मैल होता है, उस मैल को प्रकृति धो देती है और धोने का जो माध्यम बनता है वो बच्चों के नन्हे मुन्ने हाथ धोते हैं कि देखिए बड़ों के मन में चाहे कितनी ही मैल हो, कितनी ही दुर्भावना हो, लेकिन हमने इन फूलों के आदान प्रदान से आपके मन के मैल को पूरी तरह से मिटा दिया है। तो ये और भी अलग अलग हैं, जैसे अभी पिछले दिनों एक संक्रांति हुई थी जिसको घी संक्रांति बोलते हैं। अच्छा। जब फसलों का आगमन होता है, फसलें खेतों में पकती हैं, धान की बालियां लटकने लग जाती हैं, तो उस समय घी की ये संक्रांति होती है। अच्छा। और उन फसलों की जो खेत में फसल तैयार हो रही है उन फसलों की पूजा होती है। अच्छा। इसके अलावा जब गुड़ाई निराई का काम होता है तब एक अलग ही वहाँ की स्थिति रहती है। ये नहीं देखा जाता कि मैं मेरे खेत में काम करूँगा, सबसे पहले काम उसके खेत में होता है जिसके घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं है, इस महिला के पीछे न तो घर में कोई बड़ा व्यक्ति है न बेटे बड़े हैं, तो एक
सहयोग की भावना से सभी लोग मिलजुल करके पहले उसके खेत में काम करते हैं, एक तरफ संगीत चलता रहता है और एक तरफ खेतों में निराई गुड़ाई का काम चलता है। और कब इस तरह की कठिन परिस्थितियों में न जाने इतने बड़े खेत की, इतने बड़े जमीन की कब कटाई हो गई, कब निराई हो गई, कब गुड़ाई हो गई, उस प्राकृतिक माहौल में सौंदर्य में पता नहीं चलता। लोग खुशी खुशी ये सामाजिक समरसता, एक सामाजिक समरसता के नाते, एक तालमेल के नाते ये सब काम करते हैं। और मैं जो सोच पाया हूँ, शायद उस प्रकृति की, उस प्रदेश की ये जो भौगोलिक विषमताएं हैं, वहाँ का जो दर्द है, वहाँ का जो कठिन परिश्रम है, ये चीजें वहाँ की धरोहर हैं, जो लोगों को अपने आप में मायूस नहीं होने देती, उनको दर्द में नहीं रहने देती। ये केवल सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम भाव के कारण ही संभव हो पाए। ये वसीयत की बात करते समय थोड़ा सा आपने जिक्र किया था, इस पिता की डायरी है, तो डायरी लेखन की अनुभूति, डायरी लेखन की सोच कैसे आप इसमें ला सके? देखिए, डायरी लेखन का मेरा बहुत पुराना संबंध है। अच्छा अच्छा मैं पहले ही शुरू में बता चुका हूँ जी 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 कि बहुत जल्दी ही पिता का साया सिर से उठने के बाद जी। और पिता का ही नहीं बल्कि एक साल में घर से अगर तीन जने चले जाएं, मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरी दादी और फिर एक 10-11 साल का बालक अपनी माँ के साथ किन कठिन परिस्थितियों में रह सकता है, ये वही कल्पना कर सकते हैं। बड़ा दर्द इस दौर से, दर्द से गुजरा हुआ उस बच्चे ने कैसे किया। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत बड़ा संबल दिया, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सिखाया कि जीवन में जी धूम छाव चलती रहती है, विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन व्यक्ति की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसकी शिक्षा है। तो माँ के ये जो शब्द हैं जी जी, ये मैं आज भी जीवन में उतार रहा हूँ कि शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। सही। उसी दौरान मैंने डायरी को हाथ में लिया और स्कूल का जो हमारा सफर होता था वो तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर पैदल जाना, वो भी पहाड़ी क्षेत्र में। आप कल्पना कर सकते हैं कि 3-4 किलोमीटर का मतलब है आपको 1.5 से 2 घंटा आराम, उसमें उबड़ खबड़ झंडियों पर चलना पड़ेगा जी। तो वहाँ चीड़ के बबड़ पेड़ और साथ में चलते हुए जंगली जानवर, अच्छा, झरनों का बहता हुआ पानी, ये तमाम चीजें थी जो सन्नाटा भी कई जगह, इन सब ने मुझे आकर्षित किया, आकर्षित किया। और कलम उठाने के लिए मैं तो कह सकता हूँ इन सब ने संवाद किया, इन सब ने मुझे संवाद किया और मैं अकेले में अपने आप से संवाद करता रहा जी। फिर कहीं न कहीं मन में आया कि जो मन के उद्गार हैं या किसी भी चीज को लेकर के हैं, वो मैंने 6ठी-7ठी क्लास से ही डायरी में लेखन शुरू किया और आज भी वो बदस्तूर जारी है। अच्छा। जो मुझे महसूस होता है वो मैं सब डायरी में उतारता हूँ। इस वसीयत उपन्यास में आप देखेंगे कि आधे उपन्यास के बाद डायरी आती है, और जब डायरी का इसमें प्रवेश होता है तो उपन्यास के तमाम जो पात्र हैं वो बाकी पात्र गौण हो जाते हैं, फिर डायरी बोलती है। डायरी बोलती। और डायरी का मेरा ये पुराना नाता है, जो भी मन में जज्बात आए, जो भी दर्द रहा, जो भी चुनौतियां आई, उन तमाम चीजों को क्या डायरी लेखन ने आपके लेखन को कहीं पुशोन किया, ऐसा महसूस करते हैं क्या? डायरी लेखन ने मुझे बहुत बड़ा संबल दिया जी। मेरे लेखन को ही नहीं बल्कि मेरी अन्य मान्यताओं को जी, मेरे व्यवहार को जी। और मैं जब भी बच्चों से संवाद भी करता हूँ या कई बार मित्रों से बोलता भी हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि डायरी आपको आपका पूरा अक्ष दिखाती है, डायरी लेखन जी। क्यों? डायरी लेखन में आपके 10 साल पहले के वो तजुर्बे भी लिखे होंगे, बिल्कुल, आपके 20 साल पहले के तजुर्बे हैं। 20 साल पहले जब आप कुछ नहीं थे, जब आप दूसरे पे डिपेंड रहते थे जी, आप क्या सोचते थे, और आज आप दूसरी स्थिति में आ गए, तो आप डायरी के उन पन्नों को पलट करके देखेंगे तो आपका जो वर्तमान जो सफलता कहें या कुछ कहें, वो आपको हावी नहीं होने देगी, आपको अपनी
उस जमीन से जुड़ा रहने की जोड़े रखती है और बहुत कुछ आपको अपने उस परिप्रेक्ष्य में ले जाती है, परिवेश में ले जाती है जो आपने अपने जीवन में भोगा है, जो आपने अपने जीवन में महसूस किया है। तो आप आज महसूस करते हैं कि कल मेरी जो स्थिति थी, कम से कम जो सामने मेरे साथ आज आ रहा है, मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करूं कि जिस व्यवहार को करने से आपकी आत्मा को चोट लगी हो, आपको बुरा लगा हो। तो डायरी बहुत कुछ सिखाती है, न केवल लेखन में मुझे इसने सपोर्ट किया बल्कि मेरे मित्र बनाने में सपोर्ट किया, व्यवहार करने में सपोर्ट किया। मेरा ये मानना है कि जो चीज मुझे बुरी लगती है, जिस चीज से मैं आहत होता हूँ, कम से कम मैं वैसा व्यवहार या मैं वैसे वचन दूसरे के लिए नहीं कहूँ जो सामने वाले को उससे किसी तरह का दुख। मेरी गुजारिश है आपसे कि ये एक और टाइटल है सामने, नियति चक्र। अब वही वाली बात है कि जो उसका टाइटल है तो लगता है डेस्टिनी है, और डेस्टिनी तो हर आदमी की जन्म से मरण तक है, और हम आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो ये भी है कि डेस्टिनी दिखता है। एक आम फ्रेज है कि भाई सब कुछ ईश्वर ने रच रखा है और जो उसने रच रखा है वो ही होना है, वो ही होगा, और वी हैव टू फेस फॉर इट। लेकिन आपका उपन्यास इसी संदर्भ में नहीं घूमता है, कुछ अलग डायमेंशंस भी लाता है अपने पात्रों के माध्यम से। तो नियति चक्र का जिक्र करते हुए थोड़ा सा, आपके प्रयास तो बहुत महत्वपूर्ण है, सुना है कि एक और रचना भी आने वाली है, उसका भी थोड़ा जिक्र करें और नियति चक्र के बारे में थोड़ा बताएं। नियति चक्र का जो उपन्यास का ताना बाना है सर जी, वो एक ऐसे व्यक्ति के चारों ओर घूमता है जी, जिसे महामानव कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा ठीक है। आज जब लोग कुछ नहीं होते, थोड़ा बहुत होने के बाद जी 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 दूसरों का होना न होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता जी जी, वो स्वयं पर आकर के उनकी दुनिया शुरू होती है जी जी, और स्वयं पर आकर के खत्म हो जाती है, अहमवादी। लेकिन इस नियति चक्र का जो पात्र है जी, सेठ नितिन घोष जी जी जी, वो केंद्रीय पात्र हैं। और खूबसूरती इसमें यही है कि नियति चक्र के इस पात्र की विशेषता जी, वो उपन्यास में कहीं कुछ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं सेठ जी नितिन घोष। अच्छा। जो लोग उनसे प्रभावित हुए उनके जाने के बाद, उनके माध्यम से उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके व्यवहार अच्छा की अच्छी अच्छाइयां वो सब दूसरे पात्र बोलते हैं। बहुत बड़ा दर्द इस उपन्यास में है कि एक पिता, पिता पिता ही होता है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे एक आम आदमी है, वो पहले पिता होता है ठीक, बाकी विशेषण उसके बाद में लगते हैं। इस उपन्यास में जी यही चीज दिखाई गई है कि इतना बड़ा व्यक्ति होकर के कितने ही थे उसके अनाथालय चला रखे हैं, आश्रम चला रखे हैं, औषधालय चलते हैं, स्कूल कॉलेजे चलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का एक ही सोच है कि अगर किसी को दान भी देवें तो दान देते वक्त दूसरे हाथ को पता नहीं रहना चाहिए कि मैंने दान दिया, ये उसकी सोच है। इंडियन मिथ लेकिन विडम्बना उसके साथ में घटित होती है आदि उपन्यास के बाद में जी, जिस बेटे को वो विदेश पढ़ने के लिए भेजता है जी, और विदेश से पढ़ करके आता है और पिता के मुंह में सेठ नितिन घोष अपनी पूरी जायदाद उस बेटे के नाम कर देता है। अच्छा। दूसरे दिन से ही बेटे का मन बदल जाता है और पिता को अपनी असलियत वो बताता है, बड़ा सेट पे। लेकिन पिता पिता होता है, इसमें भी वृद्धों की विमर्श की आप बात जी जी देखेंगे जी, पढ़ेंगे जी। और जब सेठ जी को घर से वो खुद निकल जाते हैं, उनको अपना नाम छिपाना पड़ता है, यहाँ पाठकों के मन में कई बार प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्या हुआ जी। आखिर पिता एक पिता होता है, पुत्र चाहे कितना ही खराब हो जाए, कितना ही कुपात्र हो जाए, लेकिन माँ बाप कभी कुपात्र नहीं होते। जिस पिता ने बेटे के लिए इतना कुछ किया, उस पिता के मन में ये दर्द है कि अगर मैं जमाने को ही बताऊंगा कि मेरा बेटा मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो मेरे बेटे की तोहीन होगी, लोग क्या सोचेंगे। इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए सेठ
सेठ नितिन घोष अपना नाम छुपाता है, जो नौकर जिसको उसने फुटपाथ से उठाया था सेठ के अंतिम समय में, उस नौकर ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में भर्ती भी उसने कोई दूसरे नाम से कराया जी। और उसके बाद जब ये गुत्थियाँ सुलझती हैं आगे आप पढ़ेंगे जी, तो उसका बेटा उसके सामने आता है, जब बाप मर जाता है नितिन घोष, फिर और भी कहानी में कई इसमें उपन्यास में बातें हैं। कुल मिलाकर के एक ऐसा चरित्र है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए सोचता है, ठीक है, जो कामगार हैं, जो उसके मजदूर हैं फैक्ट्री में मिलों में, उनको कभी भी उसने मजदूर नहीं समझा। उनकी ये फिलॉसफी है कि ये बड़े बड़े जो महल चौबारे हैं जी, बड़े भवन हैं, बड़ी संस्थाएं हैं जी, उद्योग धंधे हैं, ये कोई बड़ी इमारत बनाने से इनका महत्व नहीं है, बल्कि महत्व इस बात से है कि उस संस्था में जो कार्यरत जो कर्मिक हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, आपसे जो जुड़े हुए हैं, अगर उनके दिल को आप खुश रखोगे, उनका मान सम्मान करोगे, तो आपकी संस्था भी दिनों दिन तरक्की करेगी। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, आज के जो तथाकथित बड़े जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, मिल मालिक हैं, उनको एक सीधा संदेश है कि ये जो इतनी खुशहाली आप देख रहे हैं, इतने ज्यादा जो आपके तमाम लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, आपका मान सम्मान है, ये आपकी बदौलत नहीं है, बल्कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाला मिल का एक छोटा सा मजदूर उसकी भी, जो आपके गेट को खोलता है जी जी, जो आपके अकाउंट्स का काम करता है, जो आपके पीछे आपके लिए अच्छा सोचता है, आप उसके लिए सोचिए। आप केवल उसे धन दौलत दे करके, मजदूरी दे करके, पैसा दे करके, बोनस दे करके उसको नहीं खरीद सकते। जो चीज वो कर रहा है, एक छोटा व्यक्ति आपके लिए जो सोच रहा है, जो कर रहा है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सेठ जी का जो चरित्र है वो इसी तरह का व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व हमने इसमें लेने की कोशिश की है। अब आपने जिक्र किया जी, जी, नए उपन्यास का, इस उपन्यास के सामने मेरी काफी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं रही जी, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है जी, और रहेगा। ये उनकी प्रेरणा से उपन्यास लिखा गया था। अच्छा। बात थी 2018 की जी, मेरा जब ये नियति चक्र उपन्यास पूरा हो गया था और मैं सरवाड़ में पदस्थापित था अजमेर जिले में जी, तो एक दिन मेरे मन में कई ऑफिस की भी बातें हो सकती हैं और भी कई चीजें थी, और चूंकि उपन्यास पूरा हो चुका था नियति चक्र, तो मन में काफी मेरे एक द्वंद चल रहा था जी, तो माँ से देखा नहीं गया, धीरे धीरे उनकी मेमोरी जा रही थी, तो जब वो आती थी मेमोरी जब उनकी, तो वो फिर सामान्य हो जाती थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई, तो मैंने कहा ऐसी कुछ भी नहीं, तो माँ माँ होती है, वो चेहरे को पहचान जाती, पढ़ लेती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों के चेहरे में क्या, उनके मन में क्या दर्द है, तो वो झट से पहचान गई। तो फिर उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि लिखता क्यों नहीं। जब वो ये उन्होंने मेरे को कहा, तो वाकई मुझे बहुत बड़ी अंदर से एनर्जी मिली, बहुत बड़ी ऊर्जा मिली। उस रात में 2 या 3 बजे तक सो नहीं पाया। बहुत बड़ा कैंपस है जी, वहाँ ऑफिस का जो जहाँ मेरा क्वार्टर था, उसमें पूरा चक्कर काटता रहा, सोचता रहा, द्वंद चलता रहा जी। दूसरे दिन से फिर मैंने लेखनी पकड़ी और उसके बाद मेरा ट्रांसफर पीपलू हो गया जी। पीपलू भी जब माँ मेरे साथ आई जी, जी, तो फिर बीच में वही मानसिक द्वंद चलता रहा। फिर वही जब वो मुझे इस तरह का परेशान देखती थी, तो फिर वही बात आई कि लिखता क्यों नहीं। फिर नई ऊर्जा मुझे मिली। फिर मेरा 4-5 महीने बाद ट्रांसफर बूंदी हो गया। बूंदी में फिर वही, वो ज्यादा कुछ नहीं कहती थी अपने बाद में, जब उनका स्वास्थ्य काम नहीं करता था, लेकिन उनका ये रहता था कि लिखता क्यों नहीं। फिर बूंदी में भी मैंने जो चीज की, लेकिन आज मेरे ये बहुत बड़ा दुख का विषय भी है कि जब ये उपन्यास सामने आएगा, ये कैसा रिश्ता, तो माँ की मौजूदगी नहीं रहेगी, लेकिन इस पुस्तक में, इस उपन्यास में प्रत्येक शब्द में उनका एहसास है, उनका अपनापन है। तो ये उपन्यास नजदीक ही आएगा, इसमें भी आंचलिकता का पुट है, स्त्री विमर्श का उपन्यास है कि किस तरह से एक स्त्री होने का अपना अलग अर्थ होता है। स्त्री चाहे माँ हो, चाहे बहन हो,
चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे प्रेयसी हो, हाँ? चाहे कोई हो, स्त्री होने का मतलब है दूसरे पर निर्भर हो जाना। वो अपना संपूर्ण जो कुछ उसके पास है, हाँ, वो कहीं कोई उसको चाहती नहीं, कहीं मन में ये नहीं रहता कि मैं इसको ये चीज दे रही हूँ, चाहे प्यार भी दे रही हूँ, चाहे और भी दे रही हूँ, तो इसके बदले मुझे कुछ मिले। वो केवल और केवल समर्पण होना जानती है। ये स्त्री का जो मैंने महसूस किया, चाहे मेरी माँ से मैंने बहुत कुछ मुझे देखने को मिला जी। मेरी पत्नी डॉक्टर मीना जी से मैंने महसूस किया जी। बहुत नज़दीक से जाना, उनको समझा कि स्त्री होने का अपना अलग ही अर्थ है, और स्त्री होने में जो एक महत्व है, एक जो सौंदर्य उपलब्धि है, उनकी ये मानी जाती है चेहरे पे एकदम भाव आ जाते हैं जिनके लिए वो कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो खाना खिलाने का काम हो, चाहे उनके सहयोग करने का हो, सामने वाले के मन में जो प्रसन्नता आती, चेहरे पर जो प्रसन्नता आ जाती है उनके मन में, और चेहरे पर वो प्रसन्नता दिख जाती है, ये भाव है। इस उपन्यास में वही स्त्री विमर्श का है कि एक महिला पूरे जीवन भर अपना होना उसको कहीं नहीं लगता, वो अपने अस्तित्व को मिटा देती है दूसरों के लिए, अपनों के लिए, और जीवन के एक अंतिम मोड़ पर सोचने को कई बार मजबूर होना पड़ता है कि मैंने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, चाहे वो प्रेम हो, चाहे भाइयों का स्नेह हो, चाहे कुछ और हो। तो इस तरह का इस उपन्यास में एक ताना बाना इसमें बुना गया है, पूरा का पूरा उत्तराखंड के प्राकृतिक छटा इसमें आएगी, वहाँ के त्योहारों का इसमें वर्णन आएगा, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का संघर्ष, जो सबसे बड़ी जो एक उसकी पहचान बन चुका है उत्तराखंड की, वहाँ के लोगों का कठोर जीवन और वहाँ के लोगों का संघर्ष, वो सब चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा। अब नेगी जी, थोड़ा सा मैं बात को बदलना चाहूँ, कारण है कि आपके जीवन के कई पहलू हैं जिन पर बात हो सकती है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, और प्रशासनिक स्तर पे राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व में जिस तरह आपको चाहा जाता रहा है, वो जिले का जहां भी आप प्रशासकीय स्थितियों में रहे, वहां का आम आदमी भी उसको महसूस करता है। और वो क्यों महसूस करता है कि वो हमेशा अपने आप को आपके साथ पाता है, उसकी जरूरतों में, उसकी परेशानियों में, या कामकाज की स्थितियों में, कहीं उसे ये मुझे कहीं ऐसा मौका नहीं मिला कि किसी ने मुझसे ये कहा हो कि मैं नेगी जी की वजह से ये काम मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा सुनने में मेरे नहीं आया। तो आदमी संतुष्ट भी है। तो एक तो ये पहलू है कि एक अच्छा प्रशासक जो होता है वो अपने कार्यालय के साथ साथ उससे अपने मिलने वाले, जरूरत के लिए, काम के लिए आने वाले सब में वो एक, जिसे कहना चाहिए आप तो एक लाडले की तरह है अधिकारी नहीं है, सही सब तो ये है। लेकिन एक दूसरा पहलू है जो पिछले 2-3 साल से बहुत चर्चा में है और आपने उसमें कमाल किया हुआ है, वो है पत्र लेखन। आपने इस विधा को उठाया, लोगों में जागृत किया पत्र लेखन की विधा को, जो बहुत जरूरी थी आज के इस जीवन में जहां लोग अब पत्रों के माध्यम से अपनी बात कहना भूल गए, अब डाकिया नहीं आता, लेकिन आपने उसको जागृत किया। और वो मुहिम कहाँ तक पहुंची है और कितनी विधाओं में किस तरह से आपने पत्र लेखन पर लोगों को जोड़ा है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े भी हैं, लेकिन आप स्वयं बताएं अगर, तो मैं सोचता हूँ शायद इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आप बताएंगे तो हो सकता है कि हम तो सोचने वाले, लेकिन जिसने ये इतना बड़ा दायित्व संभाल रखा है कि देश से ही नहीं बाहर से भी, मैं विटनेस हूं 2 पत्रों का कि विदेश से भी आपके सहज कहने भर से विदेश में रह रहे लोगों के भी पत्र आपके पत्र लेखन मुहिम में आए,
तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि जो बिल्कुल नया नवचार है, नवाचार है, इसमें स्कूल के बच्चे हैं वो भी शामिल हैं, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने कभी इस तरह कलम नहीं उठाई, वो लोग भी शामिल हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो लेखन का कार्य करते रहे। लेकिन सब में एक तारतम्य बैठाना, एक सबको बैलेंस करना, किसी को हर्ट ना होना, सब आपके साथ खड़े हैं, तो ये थोड़ा बताएंगे जादूगरी क्या है। देखिए सर, इस प्रश्न के दो पहलू हैं जी। पहला जो पहलू आपने इसमें कहा जी, प्रशासनिक कार्यों को, दायित्वों को निभाते हुए जी, मेरा ये सीधा सा सोच है जी कि जिन उद्देश्यों को लेकर के हम किसी भी क्षेत्र में हैं जी, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सरकार द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाती है ठीक है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए ठीक, और निभाना ही नहीं बल्कि ईमानदारी होने का यह मतलब नहीं कि आप लोगों को जूतियां उनकी घिसवा दो, हाँ? और काम नहीं करें, बल्कि जो चीज होनी चाहिए सच्ची मायने में जो काम होने का है जी, वो प्रथम दृष्टिया ही उसको हो जाए कि हाँ ये काम हो सकता है ठीक, और जो नहीं होने का है उसको स्पष्ट शब्दों में ये कह देना कि ये काम नहीं हो सकता, इस दायरे में नहीं आ रहा। एक तो बेबाकी होना बहुत ही आवश्यक है, दूसरा जो आपके साथ काम करने वाले सहयोगी हैं उनको कभी भी अपना मातहत नहीं समझ करके बल्कि अपना सहयोगी समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो काम से जुड़े हुए हैं वो आपको सहयोग कर रहे होते हैं। रही जनता की विश्वास की स्नेह की बात, वो सब जनता का स्नेह है, और निष्पक्ष भाव से आप काम करें तो वो दिखना भी चाहिए कि आपने जो काम किया जी, उसमें किसी तरह की आपकी पार्शियलिटी नहीं है नहीं। तो मैं इन जज्बातों को लेकर के, इन चीजों को लेकर के चला हूँ और आगे भी मैं चलता रहूंगा। मेरे लिए जो मेरा कर्म है, जो मेरी जिम्मेदारी मुझे मेरे अधिकारियों द्वारा, मेरी सरकार द्वारा जाती है, वो मेरी पहली प्राथमिकता है, और उसके बाद जो समय बचता है वो मैं साहित्य के लिए सोचता हूँ, साहित्य के लिए करता हूँ। अब जो बात आई पत्र लेखन की जी, पत्र लेखन के साथ भी मेरा बहुत पुराना तजुर्बा जुड़ा हुआ है जी। जब मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ पिताजी नहीं थे हाँ। तो मैं चौथी क्लास में पढ़ता था जी। तो एक दिन मेरे खेत में मेरी माँ ले गई मुझे, काम तो क्या करता मैं, लेकिन बैठा था मुडेर पे खेत पे, तो माँ ने मुझे कहा कि तेरे भैया को पत्र लिखना है, जो जयपुर में रहते थे मेरे बड़े भाई साहब ठीक है, तो उनको पत्र लिखना। मैंने जिंदगी में पहला पत्र जब चौथी क्लास में था तब लिखा, पोस्ट कार्ड ले गई थी मेरी माँ, तो वो कलम भी साथ में थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करवाने वाली, पता नहीं था पत्र कैसे, तो माँ ने बताया कि इस तरह से संबोधन करके, मुझे न जाने वो कितना अच्छा लगा, अपनापन लगा। फिर मैं धीरे 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 मैं पत्र लिखने लग गया, और वो मेरे जहन में कहीं न कहीं बात थी कि पत्रों के माध्यम से एक आत्मीयता का भाव होता है, वो मैंने फिर महसूस किया। फिर जब सरवार में मेरा पोस्टिंग हुआ, उससे पहले यही टोंक में पोस्टिंग था जी, तो एक यहाँ भी हमने प्रतियोगिता कराई थी, पत्र लेखन प्रतियोगिता जी, जी। उसके बाद सरवार में जी, अचानक एक दिन मन में आया कि एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाए जी, पत्र लेखन का जी। तो सरवाड़ का एक बल्लू बाग है, नगर पालिका का गार्डन है, उसमें हमने वैलेंटाइन डे पर अच्छा, एक बहुत बड़ा आयोजन करवाया कि आइए आपका आह्वान करते हैं और माँ को पत्र लिखें। तो उसकी थीम थी माँ तुम कैसी हो, तो करीब 500 जो लोग थे उसमें शामिल हुए, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जनप्रतिनिधि थे, सरकारी दफ्तरों के अफसर थे, मतलब सभी विधाओं के, सभी क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल हुए। बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद पीपलों में पोस्टिंग होने के बाद शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने की हमने जो परंपरा चला रखी थी, उसी दिन प्रातःकाल सरस्वती का ये था करवाना, मेरे हाथ से संकेत आया कि शिक्षकों की तरफ से क्या कोई संदेश अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। और जहन में बात आई कि पाती मुहिम का आगाज किया जाए। क्या बात? मैंने
मनस्थली मेरी वाइफ डॉक्टर मीना से बात की जी। तो उनका भी ये सोच था कि हाँ इस तरह कर सकते हैं, और उसी दिन ये घोषणा कर दी गई कि पाती लेखन प्रतियोगिता हम आरंभ करने जा रहे हैं। जितने भी गुरुजन हैं, गुरु हैं, वो अपने अपने शिष्यों को पत्र लिखेंगे, गुरु की पाती शिष्य को नाम से एक मुहिम चलाई, उसके बाद फिर पिता की पाती संतान को लिखवाई गई, माँ की पाती बेटी के नाम से पत्र आमंत्रित किए गए, फिर संतान की पाती माता पिता को आमंत्रित किए गए, मित्र को पाती लिखवाई गई, शिष्य के द्वारा अपने गुरुओं को पत्र लिखे गए। आपने तो पुस्तकाकार में भी तो और ये जो माँ की पाती बेटी के नाम में जो पत्र लिखे गए, इसमें पूरे हिंदुस्तान भर से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग महिलाओं ने, विद्वान लोगों ने अपने पत्र लिखे, 115 पत्र आए, उनमें से 103 पत्र सेलेक्ट हुए और बूंदी के सामाजिक अधिकारिता विभाग के सौजन्य से उस किताब का प्रकाशन हुआ, बूंदी में इसका विमोचन रखवाया गया। अच्छा। अभी हाल ही में 69 पत्रों का एक संकलन छपा है, पत्र पिता के, पिताओं ने जो अपने बच्चों को, संतानों को पत्र लिखे थे वो उनका संकलन है। अच्छा। आने वाले समय में अन्य जो हमारी प्रतियोगिताएं हुई हैं उन पर भी पुस्तकें आने की संभावना है। वृद्धों को लेकर भी तो पत्र, वृद्धों को लेकर के एक नया विचार मन में आया कि वृद्धों की आज क्या स्थिति है, आप देखेंगे, दिल से महसूस करेंगे तो बड़ा दर्द होता है। वृद्ध जो एक वटवृक्ष है उस परिवार का, एक बार उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, सही कह, उसकी मजबूरी हो जाती है, उसको कोई सहन नहीं कर पाता जी। घर में चार चार बेटे बहुएं होते हुए भी ये होता है कि उसका बंटवारा हो गया, सही। आज की जो हालात है आप हिंदुस्तान में देखेंगे, धीरे 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 छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में, बड़े महानगरों में, इनमें सब में जो बेतहाशा रूप से वृद्धाश्रम जो खुल रहे हैं, बिल्कुल उसी का परिणाम है कि जिस वृद्ध ने अपने जवानी में, अपने यौवन काल में अपना खून पसीना बहा करके उस मकान की एक एक ईंट को चुना, आज उसको मकान का एक कोना नहीं नसीब होता, नहीं नसीब, वो सबको बोझ लगता है। ये दर्द मेरे मन में था, मैंने महसूस किया और इसको लेकर के हमने हिंदुस्तान भर में आह्वान किया, वृद्ध विमर्श को लेकर के लोगों से कहानियां मंगाई। अच्छा। तो उन कहानियों में करीब हमको 70 कहानियां मिली। अभी हाल ही में हमारा एक कहानी संग्रह संकलित हुआ है, संपादन किया उसका, उसमें 32 कहानियां हैं। अच्छा। उन 32 कहानियों को सांझ के दीप नाम से तो पुस्तक प्रकाशित हुई है, उनमें एक एक कहानी बहुत संदेश देती हुई मार्मिक कहानी है। तो इस तरह से ये जुड़ाव रही बच्चों के साथ में जुड़ने की, तो मेरा व्यक्तिगत ये सोच है, मेरा मानना है कि जो स्थापित साहित्यकार हैं, स्थापित लेखक हैं, स्थापित रचनाकार हैं, उनके साथ अगर आप काम करेंगे, मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ कि उस स्तर पर आकर के, उस लेवल पर आकर के व्यक्ति की एक सोच बन जाती है। जैसे आपकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, फलां की अलग सोच है, क्यों वो किसी न किसी सांचे में ढल जाता है, वो उस दायरे से बाहर आने में बहुत मुश्किलात होती है, बहुत समय लगता है। तो अगर आप बच्चों के साथ आप काम करें, जिनकी अभी कोई ना कोई उनका जमात है, ना उनकी कोई अपनी अलग से कोई किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमने काम किया है, स्कूलों में जाकर के उनको उनकी रुचि के अनुसार उनको सब्जेक्ट दिए गए कि आप कौन बच्चा ऐसा है जो कहानी लेखन पसंद करता है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कविता में दखल रखते हैं, कौन बच्चे ऐसे हैं जो खेलकूद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन ऐसे हैं जो डायरी लेखन में अपना इंटरेस्ट कायम करते हैं, कौन बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास में आज हिंदुस्तान भर के करीब 6000 बच्चे हमारी स्कूल से जुड़ चुके हैं, चाहे वो लेखन विधा हो, चाहे वो समीक्षा की विधा हो। बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत ताजुब भी होगा आपको, हमने टोडा में यह प्रयोग किया बच्चों पर। अच्छा। उनको कहानी लिखने के लिए प्रतियोगिता नहीं कराई। अच्छा। टोडा में हमने कुछ स्कूली बच्चों को लेकर के पहले 4 जो स्थापित जो कहानीकार थे, कथाकार थे, जी जी, उनकी कहानियां पढ़ने को दी। अच्छा। और उनको कहा इन कहानियों पर आप समीक्षा लिख के लाइए। आपको ताजुब होगा, जब उन बच्चों की समीक्षाएं देखी पढ़ी तो जो कथाकार थे, जो कहानीकार थे, वो भी एक बार चौकन्ने हो गए कि इसने ये क्या समीक्षा कर दी, क्या ये क्या चीज ले आया। तो हमने वहां से स्टार्ट किया, क्यों
क्योंकि बच्चा और मैं दूसरों को भी कहता हूँ कि जब हम किसी रचना को पढ़ें जी, किसी भी रचनाकार की, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो उपन्यासकार हो, जी, जी, उसकी जब रचना बाहर आती है तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो पाठकीय धर्म का निर्वहन हमको करना होगा। आज हो क्या रहा है सक्सेना साहब कि व्यक्ति पाठक बाद में बनता है, समीक्षक पहले बन जाता है, जी, जी। जबकि पाठक और समीक्षक दोनों अलग 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 अलग। आप जब पाठक हो तो आपको ठीक जैसे आप आम को चूसते हैं उस समय आम को आंख बंद करके केवल उसका रसास्वादन आपको करना होगा। जी, जी, जी। अगर ये भाव मन में लेकर के चलेंगे हाँ। कि हम उस रचना में पूरा डूब जाएं हाँ। उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करें हाँ। और जो उसकी कुछ कमियां रही, खामियां रही, उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तब तो वो अच्छे पाठकीय धर्म का निर्वहन कर पाएगा। सही। और जहाँ समीक्षक की बात आती है, समीक्षक को पाठक नहीं बन करके पूर्ण रूप से उसको समीक्षा उसमें करनी पड़ेगी कि कहाँ उतार चढ़ाव आना चाहिए था, कहाँ इसमें वो कमी रही, जानकार होना चाहिए, वो जानकार होना चाहिए। वो चीजें आने से उसकी विश्लेषणात्मक शक्ति भी बढ़ती है, बढ़ती तो ये है। प्रयोग बच्चों में किया था, वो समीक्षाएं लिख के लाए, फिर उनको ये महसूस कराया गया कि देखिए आपने जब दूसरों की कहानियां पढ़ी, दूसरों की रचनाएं पढ़ी, आपको कहाँ कहाँ क्या कमी आपकी नजर में लगी, जब आप लिखोगे तो कम से कम ये गलती आप नहीं दोहराएंगे। ये बहुत अच्छे प्रयोग रहे और बहुत अच्छा वहाँ का टोडा का मेरा अनुभव रहा। जी, जी। हमने करीब 2100 बच्चों को एकत्रित करके अलग अलग स्कूलों से, चाहे उसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी थे, जी, सरकारी स्कूल के भी थे, उन 2100 बच्चों को एक टीम बना करके पत्र अपनों को करके उनको विषय दिया, उन्होंने पत्र लिखे और मैं आज साझा करने में मुझे बहुत खुशी है कि शायद ये बहुत कम जगह हुआ होगा, बहुत एक नजीर बनने जा रही है, बिल्कुल कम से कम इस जिले में, कि बच्चों का जो लेखन था, जो 6ठी से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे थे, उनके द्वारा अपने माता पिता को, अपनों को लिखे हुए पत्रों का जल्द ही इसी महीने में एक नया संकलन आएगा, जिसमें करीब 100 बच्चों के पत्र शामिल किए गए हैं और उन एक एक पत्र में इतनी ताजगी है, इतनी सुंदरता है कि न केवल उनके माँ बाप बल्कि अन्य लोग जो उनको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उनको सीखने को समझने को मिलेगा। बहुत सारी इतनी खूबसूरत बातें हैं कि जहाँ आप ये बच्चों के साथ जो लेखन प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि मैं अतिरिक्त नहीं कह रहा हूँ, शायद हिंदुस्तान में तो ऐसी पहल कभी हुई है, और जिस पहल ने इतनी सफलता से और सहजता से ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए तो आप सैकड़ों साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक एक और मिथ सामने आता है, आपको आपको लेकर मैं मिथ ही कहूंगा, वो मिथ सामने आता है कि आपके प्रशासकीय स्थितियां हैं, आपका लेखन है, नवाचार के संग जुड़ना है, लेखन के क्षेत्र में बच्चों को, नई पौध को खड़ा करना है, इस सबके बीच आपका एक सामाजिक जवाबदेही का क्षेत्र आता है, जिसमें भी हम देखते हैं कि हमारे टोंक जिले में कई आपके समकक्ष अधिकारी आए और अपना कार्यकाल पूरा करके यहां से गए, लेकिन आप टोडा रहे तो सुना वहां एक बड़ी बुक बैंक की स्थापना हुई जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, टोंक में रहे, सर्दियों का मौसम था तो गरीबों के लिए आपने कोई कपड़ों उपड़ों की व्यवस्था भी करी, इस संबंध में थोड़ा बताएं। देखिए जो मुहिम की बात मैं पहले इसमें समाप्त करना चाहूंगा, मुहिम में जो पातिक मुहिम थी या लेखन मुहिम थी जी, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है जी, क्यों हम तो एक विचार मन में आया जी, वो सामने रख दिया, जितने भी आप जैसे सहयोगी हैं जी, जितने भी लोग इससे जुड़े, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हमारी पाति मुहिम से जुड़े हुए करीब 600 आज बड़े विद्वान और बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार इस मुहिम से जुड़ चुके हैं, उनका सबका हमें आशीर्वाद मिला, सबका सहयोग इसमें मिला और समय समय पर सबका मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो ये सबके आशीर्वाद का, सबकी मेहनत का, सबकी जो लगन है, ये सब उसका परिणाम है, क्योंकि तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इसमें स्वयं इसको अपने ऊपर नहीं लेकर के बल्कि ये उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, अगर इसकी सफलता का श्रेय किसी को जाता है तो हमारी पूरी मुहिम से जुड़े हुए, बिल्कुल सही, तन मन धन से जुड़े हुए जो हमारे सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं, सबका उनको जाता है, कई तो हमारी पाति मुहिम से ऐसे लोग हैं जिनको मैं केवल
नाम से जानता हूँ, ना उन्होंने मुझे देखा जी, ना मैंने उनको देखा, लेकिन एक अभी शुरू में जब आपने कहा था रिश्तों की बात, तो उन लोगों से सबसे हमारा एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जो बहुत गर्माहट का रिश्ता है, अपनेपन का भाव है। ये भाव कहीं ना कहीं हमारे इस मुहिम में आगे ले जा रहा है। रही बात सामाजिक सरोकार की, तो शुरू में ही बातें आ गई थी कि व्यक्ति अगर केवल और केवल अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है, तो फिर उसका होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। अगर आप कुछ कर सकते हैं आप करिए मत, आप मन में अच्छा सोचिए, वही बहुत कुछ सामने वाले को संबल प्रदान कर जाएगा। बहुत ही कड़वी बात भी हम कहें कि हम आज कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, हमने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन अगर हकीकत अगर आपको आज भी देखनी है तो रात के अंधेरे में आप निकलिए, रात के अंधेरे में सर्दी के मौसम में जी। हमने ठिठुरते हुए लोगों को देखा है, उनके पास में ओढ़ने के लिए टाट नहीं है, बिल्कुल सही, बोरा नहीं है, बोरा ओढ़ भी लिया तो उसके मन में इतनी ज्यादा दया है, पास में आकर के कुत्ता उसके पास में आकर के देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस टाट को उस कुत्ते को उड़ा देता है वो व्यक्ति, कितना महान कमाल, ऐसी आत्माएं हैं। और इस तरह का दर्द मैंने महसूस किया जब रात को 12-12 1-1 बजे कई बार लॉ एंड ऑर्डर में हमें घूमना पड़ा, तो मन में विचार आया कि क्यों नहीं एक कपड़ा बैंक की स्थापना की जाए, और उसी विचार से प्रेरित होकर के टोंक में घंटा घर पर बहुत शानदार एक आयोजन हुआ, कपड़ा बैंक चला, करीब 3 महीने चला वो सर्दियों के मौसम में, और इस टोंक में करीब 58,000 कपड़े उसमें हमने एकत्रित करवाए। कपड़ों की भी ये व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति घर में किसी तरह का वो काम में नहीं आ रहा है उसके लिए हो सकता है वो अलमारी में रखे हुए कपड़े हों या संदूक में कहीं रहे, तो उसका भी भार कम हो गया, आकर के कपड़े यहाँ कपड़ा बैंक में इकट्ठे कर दिए। लेकिन जिस आदमी के तन पे कपड़े नहीं है तो उस व्यक्ति को कपड़े इसमें आकर के उन्होंने लिए, करीब 30,000 लोगों ने वो कपड़े लिए, अपना काम चलाया, करीब 2,000 कंबल हमने उस समय बांटे सहयोग से, और कच्ची बस्तियों में जाकर के आटा बंटवाया गया, मकर संक्रांति पे गुड़ बांटा, और भी जो भी उनकी सुविधा की चीज थी वो किया। टोंक में एक टोंक सहायता केंद्र की स्थापना की, उस केंद्र में सरकारी कर्मचारी अधिकारी अन्य लोगों से राशि एकत्रित करके उसका उपयोग ऐसी जगह किया गया जो वाकई में नीडफुल थे, जरूरतमंद थे। ये मुहिम हमने सरवाड़ में भी जारी रखी, सरवाड़ में एक मुहिम चलाई कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अधिकारी महीने की पहली तारीख को अपनी तनख्वाह में से एक निश्चित हिस्सा उस कोष में देगा। फिर उस कोष का गठन इस तरह किया कि सरवाड़ के जितने भी सरकारी स्कूल थे उन स्कूल के जो प्रिंसिपल्स थे उनसे आह्वान किया गया कि आप उन बच्चों की सूची हमें दीजिए जिनके पास में कॉपी किताबें नहीं है, जिनके पास में ड्रेस नहीं है, जिनके पास में अन्य कोई शिक्षण सामग्री नहीं है, तो वो लिस्टें आई और उस धनराशि का उपयोग हमने उन बच्चों पर किया। तो ये सब करने से मन को ये बहुत कुछ सुकून मिला, क्योंकि जिसका पेट पहले से भरा हुआ है अगर उसको आप कुछ भी किसी तरह का मिष्ठान दे देंगे, किसी तरह का पकवान दे देंगे, तो शायद उसका महत्व नहीं समझ पाएगा। जिसको वाकई में नीड है, जो नीडी है, जरूरतमंद है, उस तक अगर आपकी पहुंच होती है, आप उसको दिल की उसकी बात सुनते हैं, तो शायद आपका छोटा सा प्रयास भी उसको बहुत कुछ सुकून देगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आपसे जितनी भी सुखद बातें हुई वह बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। हाँ, इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करूं। एक गहन विचार ये आता है कि आपके संग 6th-8th क्लास के बच्चे भी, 12th क्लास के बच्चे भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, सभी तरह के लोग जुड़े हैं, लेकिन एक बात चल पड़ी है कि ऐसा भी होता है कि जो युवा लेखक है, मतलब वो लिखना तो चाहता है, किन्हीं संकोचों से उसके पास कोई ऐसा नहीं है आसपास की उसे थोड़ा गाइड कर सके या उसका हौसला बढ़ा सके, तो इस दिशा में भी आपने काफी काम किया है, वो थोड़ा सा
इसमें मैं आज के जो युवा लेखक हैं जो अपना लेखन कार्य शुरू कर रहे हैं उनको मेरा एक ही संदेश है कि जब लिखने बैठे तो पूरा लेखन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, ये नहीं सोचें कि मेरे लेख कहाँ छप रहे हैं, मेरी कितनी किताबें छप गई हैं। आप छप भी जाएंगे, समीक्षाएं भी हो जाएंगी, हो सकता पुरस्कार भी आपको मिल जाएं। लेकिन जो लेखन के बाद जो आत्मिक सुख है, आत्मिक संतोष है, ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका लेखन कार्य निरर्थक रहेगा। आप लेखन इस तरह करें, दिल से पहले आप सुने, अपने दिल से बात करें और उस दिल की बात सुन करके गहराई में उतर करके अपना लेखन का कार्य शुरू करें। लेखन भले ही आपका एक कहानी छपे साल में या दो कहानी आपकी आए, लेकिन वो कहानी के जो पात्र हैं या कहानी की जो घटनाएं हैं वो आम पाठक को ये लगे कि यार ये मेरी कहानी है, इसने क्या बात कह दी, ये मेरी अपनी कहानी है। आज प्रेमचंद नहीं रहे लेकिन प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का जिक्र आते ही आज भी वो पूरे की पूरी घटनाक्रम, पूरी कहानी का जो सारांश सामने आ जाता है। ईदगाह की आप बात करें, पूस की रात की आप बात करें, कफन की बात करें, गोदान की बात करें, इधर कामायनी की बात करें, ये कुछ ऐसे कहानियां हैं जो दिल से निकली हुई हैं। तो लेखन जो आज का लेखक है, उन युवा लेखकों को मेरा यही संदेश है, मेरा आग्रह है कि इस दौड़ भाग की जिंदगी में, इस साहित्य की जिंदगी में बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारे लेखक हैं, नित नए नए लेखन से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। आपको कई लोग हतोत्साहित करेंगे, कई प्रोत्साहित भी करेंगे, लेकिन इन सबसे ऊपर उठ करके आप स्वयं की अपनी एक विधा विकसित करें, अपने मन की बात को माने, और लेखन तभी सार्थक होगा जबकि पढ़ने वाला उसमें आकंठ डूब जाए और डूबने के बाद वो ये महसूस करे कि हाँ मैंने किसी लेखक की रचना को पढ़ा और वो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक वो जो लेखन है, वो जो पात्र हैं, उस पाठक के मानस पटल पर छाए रहे हैं। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हैं और आप अगर ऐसा करें तो फिर ये लेखक की बहुत बड़ी सफलता है। भले ही आपको कोई पुरस्कार मिले, भले ही आपकी किताबें या पुस्तकें या आपके लेख या कहानियां किसी पत्रिका में छपे नहीं छपे, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपने किसी भी एक पाठक को या किसी एक पाठक वर्ग को आपने अपनी लेखनी से अपना बना लिया तो वो एक लेखक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही मेरा कहना है कि लेखकी धर्म का निर्वाह हमेशा करें, ये दौड़ में नहीं रहें कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लिखना है। लिखें कम, पढ़ें ज्यादा, अच्छे स्तरीय लेखकों को पढ़ें, विचार विनिमय करें और कई कई बार लिखें और लिखने के बाद उनमें से उन चीजों को गुनें जो आपको अच्छा लगे। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि लेखक जब लिखता है, जब सृजनशीलता चलती है तो वो ठीक उसी तरह से एक माँ की एक बात के लिए होता है कि अगर एक माँ से कहा जाए कि तेरे बेटे में क्या कमी है तो उन चीजों को काट करके फेंक दे तो एक माँ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर माँ को यह आभास हो जाता है कि हाँ इसमें कमी है तो वहीं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो लेखक में ये चीजें हैं कि कई बार मोह उसको त्यागना पड़ेगा, जो चीज उसको अच्छी नहीं लगी वो उस अंश को उसको काटना भी पड़ेगा। उस काटते वक्त उसके मन में क्या गुजरेगी ये वो लेखक ही जान सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रसव पीड़ा से लेखक की जब निर्वहन करता है दायित्व का, वो प्रसव पीड़ा से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा लेखन तभी सार्थक होगा जबकि इन तमाम चीजों से आपको ऊपर उठ करके सोचना होगा, करना होगा और लिखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण विषय जीवन मूल्यों को लेकर जो साहित्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य का भी अपना अर्थ और उसकी अपनी अर्थवत्ता, इसलिए जरूरी निश्चित हो जानी चाहिए कि हम साहित्य लिख किसके लिए रहे हैं, और अगर हम समाज के लिए लिख रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण यह है कि समाज के लिए जीवन मूल्य है भी कि नहीं। तो आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए लख लख बधाइयां आपको, आपको साधुवाद।
आने के लिए आभार हमारा।